हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ घर का बना हुआ मसाला पनीर कैसे बनाते हैं इसको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है, जिसको कि हमें बॉईल करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, और इसको हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मिल्क हल्का सा गर्म होने लगेगा, तब मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ 1 कप में 2 बड़े चम्मच वेनेगर, और जितना हमें वेनेगर लेना है उतना ही इक्वल अमाउंट में हमें लेना है पानी। जैसे यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच वेनेगर लिया है, तो 2 बड़े चम्मच ही मैंने यहाँ पर वाटर लिया है। दोनों को मिक्स कर लेंगे और इसको हम ऐड करेंगे। आधा मिक्सचर ऐड करना है, अभी पूरा ऐड नहीं करेंगे, और इसको हम चला लेंगे। चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि दूध में हल्का सा दाना आने लगा है। फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है, और अब हम बाकी का मिक्सचर भी ऐड करेंगे और इसको भी हम लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और कुछ ही सेकंड में आप देखो कि ये कड़न होने लगा है और छेना बनकर अलग हो जाएगा और इसका पानी अलग हो जाएगा। दोनों ये देखिए एकदम अच्छी तरह से दूध में छेना आ गया। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि हम यहाँ पर मसाला पनीर बना रहे हैं इसलिए हम कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ऐड किया है ओरिगैनो, पिज़्ज़ा मिक्स, आप चाहो तो मिक्स हर्ब भी ऐड कर सकते हो। चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी, और आप यहाँ पर क्रश्ड ब्लैक पेपर और फ्रेश बारीक कटा हरा धनिया भी ऐड कीजिए, जो कि पनीर के फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब हम इसको एक सूती कपड़े में छान लेंगे, और पनीर को छानने के बाद हमें इसको 2 से 3 बार रनिंग वाटर में अच्छी तरह से धो लेना है। धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने पनीर को बाढ़ने के लिए वेनेगर का यूज़ किया था। अगर आप इसको नहीं धोगे ना, तो पनीर में खट्टा टेस्ट आ जाएगा। और ये देखिए, छानने के बाद जो ये पनीर का पानी निकला है, इसको भी आप वेस्ट नहीं करें, इसको हम आटा लगाने में यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 बार पनीर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा सारा पानी पनीर से निकल जाए। क्योंकि हम इसको एकदम मार्केट स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए हम कोई पनीर मेकर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 आइसक्रीम बॉक्स, जो नॉर्मली सभी के घरों में मिल जाता है, और ये बॉक्स स्क्वायर शेप का है। और इसमें हम ये जो पनीर हमने अच्छी तरह से स्क्वीज कर लिया है, इसको हल्के हल्के हाथों से हम फैला लेंगे बॉक्स की शेप में। इस बॉक्स में सेट करने से पनीर एकदम इक्वल साइज में सेट होगा, और जब हम इसको कट करेंगे तो वो एकदम इवनली कट होगा। पनीर को सेट करने के लिए हमें इसके ऊपर कुछ हैवी वेट रखना होगा। मैं ऊपर से एक बॉक्स रख रही हूँ जिसमें कि दाल रखी है, तो वो ऑलरेडी ही हैवी है, और पनीर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा इससे। 1 घंटे के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, और उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहो तो उसको फ्रिज में रात भर के लिए भी रख सकते हो। मैंने तो बस सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए ही रखा था। और यहाँ पर देखिए, पनीर एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है। और बहुत ही क्रीमी पनीर बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। आप इसको ग्रेवी में तो यूज़ कर ही सकते हो, साथ ही आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हो। इसको कट कीजिए और ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर इसको सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और क्योंकि हमने इसको घर पर बनाया है तो ये हेल्दी तो है ही। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और अपने रिव्यू मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।